चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है ठीक है, और द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो इंक्लाइन है, इसको वेज भी बोला जाता है, डब्ल्यू ई डी जी ई वेज, और इसको कहा जा रहा है कि ये ए एक्सेलरेशन से राइट साइड में मूव कराना है। तो ये जो मास है, ब्लॉक है, मान लो एम मास का है, तो ये स्टेशनरी रहना है इसको। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इस वेज का राइट साइड में, उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली बात, अगर ये मान लो ये वेज स्टेशनरी ही है, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे? तो अर्थ की ग्रेविटी एम जी फोर्स लगाएगी, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाए, तो अगर ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा? एम जी कॉस अल्फा, और इधर जो अलोंग द प्लेन होगा वो एम जी साइन अल्फा होगा, और ये जो एम जी साइन अल्फा है, ये इसको नीचे की तरफ स्लाइड कराने की कोशिश करेगा। तो रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है, अदरवाइज तो नहीं रुक सकता। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस वेज को राइट साइड में अगर एक्सेलरेट किया जाए, एक बच्चे को इसी इंक्लाइन प्लेन पे बैठा दिया जाए ठीक है, जिस प्लेन पे ये ब्लॉक है, तो अगर ये प्लेटफॉर्म यानी ये वेज राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस बच्चे का भी एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लगेगा? हम लोग जानते हैं सूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। अब सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इस ब्लॉक का मास m है, तो ऑब्जेक्ट का मास यूज किया जाता है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, और ये एंगल भी होगा अल्फा। ध्यान से देखो, ये एंगल भी अलोंग द प्लेन जो एक्सिस है ठीक है, पैरेलल एक्सिस, उसके उससे जो है ये सूडो फोर्स अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ सूडो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? एम ए कॉस अल्फा होगा, ये होगा एम ए कॉस अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस कौन सा कंपोनेंट होगा? एम ए साइन अल्फा होगा, एम ए साइन अल्फा। तो इस एम जी साइन अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है? एम ए कॉस अल्फा बैलेंस कर रहा है ना, एम जी साइन अल्फा को एम ए कॉस अल्फा बैलेंस करेगा, तभी ये रुक सकता है। यानी एम जी साइन अल्फा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एम ए कॉस अल्फा के, एम से एम कटा, ये कितना हो जाएगा? जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को इधर ले आओ, अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू टी टेन अल्फा होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जितना इंक्लिनेशन होगा इस वेज का, इंक्लाइन का, जितना ज्यादा उतना टेन अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसलिए अगर अल्फा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, वेज का जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, ये एक इंक्लिनेशन है, यहां ब्लॉक रखा है, दूसरा इंक्लाइन है ऐसा, मान लो ये 40 अज्यूम करो, ये है 30 डिग्री, क्यों नहीं लिख रहा, ये क्या दिक्कत आ रही है, रुको, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और दोनों मास m है, यहां पे भी मास m, यहां पे भी मास m, तो इसका 60 डिग्री एंगल है, इसका 30 डिग्री, तो किसको ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? एंगल ज्यादा होने पे एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी इस ब्लॉक को रोकने के लिए A1 का एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक रुक सकता है। A2 को, A2 वाले केस में कम एक्सेलरेशन दे के भी इस ब्लॉक को आप रोक सकते हो, ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।